हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने एड न्यू डोनर बाय ब्लड बैंक, यहाँ तक हमने व्यू को क्रिएट किया था, जो फ्लो था कलेक्ट ब्लड का, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एड सम डिजाइन द व्यू ऑफ एड न्यू डोनर बाय ब्लड बैंक। सो फर्स्ट जो है हमें, सो कॉपी कीजिए और यहाँ पर मॉडल में इसको एड कीजिए। So the online, sorry, blood bank, app dot models dot, और ये हमारे पास हो गया collect blood bank, okay? So close and then reopen, okay? अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस व्यू को डिजाइन करेंगे। सो फर्स्ट हमें यूजर डिटेल में जाएंगे, जो एडिट प्रोफाइल का था, सो नो स्क्रॉल डाउन एंड देन एडिट प्रोफाइल, नो स्क्रॉल डाउन, यूजर में हमारे पास जो है ये एडिट प्रोफाइल का जो डिजाइन था वो हमारे पास है यहाँ पर। सो ये हमारे पास है एडिट प्रोफाइल, सो कॉपी दिस एडिट प्रोफाइल डिजाइन, सो नो इसको कॉपी कीजिए और यहां पर पेस्ट कीजिए एंड देन स्क्रॉल अप और यहां पर डॉट कलेक्ट ब्लड एमवी, इसको सेव कीजिए। अच्छा, इसको कॉपी कीजिए एंड देन स्क्रॉल डाउन। अच्छा, अब यहां पर हमें एंटर डोनर डिटेल और डोनर में हमारे पास जो यूजर नेम पासवर्ड है वो उसका नाम और वही चीजें हमारे पास होंगे, लेकिन ईमेल एड्रेस जो है यहां पर वो कंपलसरी है। सो ये डोनर वगैरह आईडी माईडी इसको खत्म करो, ये डोनर आईडी वगैरह इसको भी खत्म करो, यूजर टाइप्स को भी खत्म करो, इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। और ये यूजर डिटेल वगैरह जो यूजर नेम और ईमेल एड्रेस वगैरह उसको भी खत्म कीजिए, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम बस सिर्फ डोनर की डिटेल एंटर करेंगे, बाकी उससे जो है हम डिटेल को क्रिएट करेंगे। सो यहां पर ये हॉस्पिटल इस डिटेल को भी खत्म करें, हमें यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो है डोनर डिटेल बस होना चाहिए। सो नीचे जो और डिटेल है इसको भी फिर खत्म करें, जो डोनर डिटेल है बस वही जो है हमारे पास होना चाहिए। सो दैट इज द डोनर डिटेल, सही। अब डोनर डिटेल में हमारे पास सिटी और ये जेंडर भी है, ब्लड ग्रुप भी है, ये चीजें। सो डोनर फुल नेम जो है हमारे पास, यहाँ पर इसको खत्म करें, यह होगी हमारे पास फुल नेम। अब मॉडल में हमारे पास है फुल नेम, डोनर का नेम, ओके, उसमें डोनर डिटेल डॉट यहाँ पर फुल नेम। अच्छा, सो नाउ कॉपी दिस और इस डोनर की जगह पर जो है इसको उसको ऐड कीजिए, ग्रुप आईडी बस यहाँ पर सही है, जेंडर भी सही है और डोनर यहाँ पर इसको रिप्लेस कीजिए, यहाँ पर भी रिप्लेस कीजिए, सिटी आईडी इसको ऐड कर देंगे और ये भी ऐड कीजिए, सही। अच्छा, तो अब ये सिटी आईडी, जेंडर और ब्लड ग्रुप आईडी जो है इसको हमें ऐड करना है। सो नाउ ये ब्लड ग्रुप आईडी को, खैर ब्लड ग्रुप आईडी है, इसमें जेंडर को भी ऐड करते हैं, ये कलेक्ट ब्लड में। अच्छा, सो नाउ ये जो डोनर आईडी है उसे कॉपी ले ले और यहाँ पर ये जेंडर आईडी हो गया, फिर उसके बाद इसे कॉपी ले ले और ये सिटी आईडी हो गया, ठीक है। तो अभी ऐड हो चुका है। अच्छा, ये जो जेंडर और सिटी आईडी, ठीक है,
ये भी जो है हमें यहाँ पर सेट करना है। सो ये जो कैटेगरी हमने उधर बनाई है ना स्टॉक में, तो स्टॉक में फीमेल, चलो बस अभी इसको ऐड कीजिए। सिटी आईडी, सो नो, बस सेव कीजिए इसको, और दोबारा जो यहाँ पर इस एडिट यूजर प्रोफाइल को भी खत्म कीजिए, और यहाँ पर अब ये जो है डोनर डिटेल जो है हमारे पास से कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ एंटर डोनर डिटेल। अब डोनर डिटेल में जो यूजर में हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर नेम भी जो है इसका नेम भी होगा, फुल नेम जो इसका है दैट इज द यूजर नेम ऑफ यूजर ऑफ दिस यूजर, और पासवर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट इसका 1 2 3 4 5 जो है हम डिफॉल्ट रख देंगे। बाकी ईमेल एड्रेस है वो भी यहाँ पर हम सेट करेंगे कि एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ दिस यूजर। सो नाउ कॉपी, बाकी कौन स्टेटस वगैरह डिटेल जो है वो वहां से हम सेट कर देंगे। सो देयर इज द ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर भी ईमेल एड्रेस। सॉरी, डोनर डिटेल, और यहाँ पर डाटा ईमेल एड्रेस, एंड इन कॉपी दिस, और यहाँ पर भी ऐड कीजिए ईमेल एड्रेस को। सो दिन, अब यहाँ पर दोबारा हम चलते हैं जेंडर ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर लास्ट डोनेशन डेट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर सीएनआईसी, अच्छा ये सीएनआईसी वगैरह है हमारे पास, कॉन्टेक्ट नंबर हाँ सीएनआईसी वगैरह है, लोकेशन भी है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, अच्छा वो भी है। सो सिटी भी है, यूजर आईडी मतलब यूजर नेम तो बाय डिफॉल्ट कर, ईमेल एड्रेस भी हो गया, पासवर्ड भी बाय डिफॉल्ट, यूजर टाइप भी, और ये भी। अच्छा तो अब इसका डिटेल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है जो डिज़ाइन हमने कंप्लीट किया वो सिर्फ जो था वो सिर्फ जो डोनर डिटेल था। अब हम जो जितना ब्लड उन्होंने कलेक्ट किया अब वही जो है उसके लिए हम यहाँ पर फील्ड्स को ऐड करेंगे, एक और डीएल को बनाएंगे। सो इससे ये एक जो हमारे पास जो ब्रेसिस है इसको खत्म करें, एंड नाउ सो द चेंजेस। यहाँ पर एक इसको हम साइज देंगे ये जो डीएल है हमारे पास, लेकिन खैर फर्स्ट जो है इसको कॉपी कीजिए, और यहाँ पर डिटेल जो हम अब एंटर करेंगे वो हमारे पास होगा। चलिए यहाँ पर एक एचआर को ऐड कीजिए, स्लैश सॉरी स्लैश, और इसके बाद जो है इस डीएल को ऐड कीजिए। तो इसमें हमारे पास जो डिटेल होगा वो हमारे पास हो, अच्छा अब इसमें जो डिटेल हमारे पास होगा वो ब्लड का होगा मतलब स्टॉक का होगा। सो स्टॉक डिटेल, एंटर स्टॉक डिटेल मतलब जो आइटम वहां पर मींस जो ब्लड हम ले रहे हैं उसका डिटेल अब हम एंटर करेंगे। सो उसमें हमारे पास जो है ब्लड बैंक स्टॉक आईडी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ब्लड ग्रुप भी ऑटोमेटिक ऑलरेडी वहां से जो है हम कर देंगे। खैर ये जो ब्लड ग्रुप है ना इसको हम ऐसा करते हैं कि वहां से उठा के यहाँ पर रखते हैं, ये खत्म कीजिए, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दें और यहाँ पर ही रख देंगे ये जो इंटर स्टॉक डिटेल में है ना यहाँ पर ही रख देंगे इस डोनर फुल नेम की जगह पर यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया ब्लड ग्रुप। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं कंपेन आईडी भी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, और कितना क्वांटिटी है यहाँ पर, ठीक है कितना क्वांटिटी है, सही। सो नाउ अगेन यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी हो जाएगा, सो क्वांटिटी इसको भी रिमूव कर दें, ये जो ब्लड ग्रुप यहाँ पर वो हो गया। अब कौन सा जेंडर है चलिए वो भी यहाँ पर लेकर आइए, हमने किससे जो है ये ब्लड ले लिया, और इसके बाद ये
कॉन्टेक्ट नंबर है, सो कॉन्टेक्ट नंबर की जगह पर इंटर कलेक्ट ब्लड क्वांटिटी। सही। और फिर यहां से सीएनआईसी को भी खत्म करते, सीटी को भी खत्म करते, और अच्छा इस सिटी को भी यहाँ पर रहने दो, बाकी एड्रेस वगैरह इसको खत्म कर दें। ये इंटर कलेक्ट ब्लड, सो अब यहां पर इसको खत्म करें और डॉट क्वांटिटी यहां पर लिख दें। और ये जो सिटी वगैरह इसको भी यहां से खत्म करें, बस ऑलरेडी हमारे पास जो है वो डोनर में है। सही। सो नाउ रिमूव दिस एंड देन स्क्रॉल अप, क्वांटिटी भी हो गया, जेंडर की कौन सा है, उसका आईडी कौन सा है, ठीक है। खैर जेंडर भी ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्ट हो गया है, इसको भी रिमूव कीजिए। और ये ब्लड ग्रुप और क्वांटिटी यहाँ पर, सो नाउ सो द चेंजेस। ओके, अब हम इसका व्यू जो है यहाँ पर देखते हैं, एंटर डोनर डिटेल एंड देन एंटर स्टॉक डिटेल। अब जब हम इसको सबमिट करेंगे तो वहां पर अब चेक करते हैं कि इस डेटा जो है वहां पर कंप्लीट ही जाते हैं कि नहीं। सो दैट इज द कलेक्ट ब्लड, और यहाँ पर इसमें एक टाइटल होना चाहिए, सो वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर इंटर कलेक्टेड ब्लड डिटेल, ये ब्लड आपने किससे जो है वो कलेक्ट किया। सो द चेंजेस, दोबारा इस अकाउंट स्टेटस में जाइए, यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, ये एक्शन हो गया हमारे पास, और ये अकाउंट जो है ये कंट्रोल हो गया। एंड देन इसका जो टाइप है वो है पोस्ट, सो लेट्स रन द एप्लीकेशन, और इसको चेक कर दे कि हमारे पास जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो इसका व्यू जो है वो कैसे डिजाइन हो गया है। सो नो रन, और इसको चेक कर दे। सो नाउ वेट टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, सो नाउ द एप्लीकेशन इज रन, देन साइन इन, एंटर द खिदमत एंड देन 1 2 3 4 5 एंड देन लॉग इन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ऑल कैंपेन पे जाइए या इधर भी जाइए, यहाँ पर कलेक्ट ब्लड इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से एड ब्लड। ओके, अभी हमारे पास जेंडर वगैरह वो नहीं है यहाँ पर, सो इसको स्टॉप कीजिए। अगेन अकाउंट्स पे जाइए, यहाँ पर अकाउंट्स में ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, मतलब वो जो सिटी आईडी वगैरह वो नहीं है, सो हमें इसको उठाना होगा यहाँ से। यूजर में हमारे पास ये होगा यहाँ पर, ये सिटी आईडी, ब्लड आईडी और जेंडर आईडी, सिटी आईडी, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करें यहाँ से एंड देन अकाउंट्स, इसको क्लोज कीजिए। अब यूजर को गो टू अकाउंट्स एंड देन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए। ये जो स्टार्ट में हमारे पास है सी टी आई डी वगैरह, इसको जीरो कीजिए। सेव द चेंजेस, और यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो भी जीरो कीजिए, और यहाँ पर ये जेंडर आईडी है इसको भी जीरो कर दें। सही। एंड देन अगेन इसको कॉपी करें एंड पेस्ट हेयर, मतलब बिलो दिस यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। सो अब हमें यहाँ पर कलेक्ट ब्लड एमवी और यहाँ पर सिटी आईडी को
डॉट सिटी आईडी, अगेन ब्लड ग्रुप, सो नाउ इसको भी सेट कीजिए डॉट ब्लड ग्रुप आईडी, एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू सेट द जेंडर आल्सो, सो जेंडर आईडी, ओके अब ये सेटअप हो गया है। अच्छा अब यहाँ पर हम एक सेटिंग करेंगे यहाँ पर कि उसमें जो है हम डोनर की डिटेल भी ऐड करेंगे और स्टॉक में भी जो है डिटेल हम सबमिट करेंगे। सो इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू ऐड अ डोनर with add the quantity to stock of blood bank of collected blood. So we'll see you next video.